हिंदू धर्म में शादी से पहले कुंडली मिलान बेहद जरूरी माना जाता है। कई रिश्ते इसी के बाद पक्के होते हैं। कई जगह तो कुंडली न मिलने पर अच्छे रिश्ते को भी मना कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर वर वधु की कुंडली न मिले तो उन्हें जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज के दौर में जब लव मैरिज का प्रचलन बढ़ रहा है और लोग अपनी इच्छा से अपना पार्टनर चुन रहे हैं, तो ऐसे में कुंडली न मिलने के कारण कोई अपना पार्टनर को खोना नहीं चाहता। ऐसे में कुछ उपाय जिनको करने से यह समस्या का हल होता है। शादी के लिए वर वधु की कुंडली में 36 गुणों का मिलान होना जरूरी है, जिसमें कम से कम 18 गुणों का मिलान जरूरी माना गया है। अगर 18 से कम गुण ही मिल रहे हैं तब शादी उत्तम नहीं मानी जाती। लेकिन घबराएं नहीं, आप कुछ विशेष उपायों के जरिए अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखा जाता है कि विवाह के बाद भी जीवन में सुख नहीं है, या बहुत प्रयास करने के बाद भी विवाह कार्य संभव ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए और 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए, मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। इन उपायों को करके जीवन में सुख का अनुभव किया जा सकता है। और सातवां घर विवाह में, जन्म कुंडली में जो होता है सातवां घर, वो विवाह का कारक होता है, दंपत्ति जीवन का कारक होता है। सातवें घर के अनुसार शुक्र विवाह का कारक है, तो शुक्र से संबंधित जो रत्नों को धारण करना चाहिए, जैसे ओपेल है, हीरा है, सफ़ेद नीलम है, सफ़ेद हकीक है, इस प्रकार से यह चांदी के अंदर धारण करना चाहिए। और स्त्रियों को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, मोती रत्न धारण करना चाहिए, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। तालमेल बना करके चलने से ही वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। और ये तालमेल बने, इसके कारक ग्रह होते हैं। इन ग्रहों की शांति के लिए जो भी ग्रह आपका अनुकूल ना हो, उन ऐसे ग्रहों का, कमजोर ग्रहों का उपचार कराएं, मंगल का पूजन कराएं, भात पूजन आदि कराएं, जो भी ग्रह आपका कमजोर हो, इस प्रकार से आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। अपने वैवाहिक जीवन को सुखद करने के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र है, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति एवं सफलता प्राप्त होगी। जय। कुंडली के हिसाब से पंचांग के अनुसार 36 गुणों का मिलान किया जाता है। 36 में से कम 18 गुणों का मिलान होना चाहिए। लेकिन जिनका विवाह हो गया हो और कुंडली मिलान नहीं हो पाई हो, गुण मिलान नहीं हो पाए हो, लेकिन अब वैवाहिक जीवन तो आगे अच्छे से चलाना ही है, इसलिए हमें यह चाहिए कि अब जो गुण मिल गए हैं उसके अनुसार हमें लक्ष्मी नारायण का पूजन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। लोकल 18 उज्जैन से शुभम मरमट की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित के अनुसार है, लोकल 18 उसकी पुष्टि नहीं करता है।